हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन का अगर वाईफाई कनेक्टेड होने पर भी मोबाइल फोन का और आपके मोबाइल फोन का वाईफाई अगर नहीं चल रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का जो वाईफाई होता है वो कनेक्टेड होता है लेकिन उसका इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को ना रिबूट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रिबूट करने के लिए आपको मोबाइल फोन साइड वाला पावर बटन आपको थोड़ी देर तक उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इस पेज में देखिए रिबूट का ये ऑप्शन है, रिबूट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे वाईफाई का इंटरनेट काम नहीं करता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड है सर्च सेटिंग, ये जो सर्च सेटिंग का ऑप्शन है इसे टैप करना है। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है रीसेट, ठीक है। रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ना ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आएगा। आप ये जो तीन सेटिंग देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ये वाला ऑप्शन नीचे वाला टैप करना है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ओके का बटन, ओके पे टैप करना है। आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगला काम करना क्या है, देखिए आपको जो ना अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको यहाँ पर ना ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपनी सिम सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी की सिम है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। अब अगला पेज आपका APN का होगा, इसमें आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको जो ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर यानी कि मोबाइल फोन का सिस्टम आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियां आने लग जाती है। तो अगर आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो उसे आपको अपडेट कर लेना है। आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है और यहां पर आपको अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का अपडेट का बटन लिखा हुआ दिखाई देता है तो ये अपडेट पर टैप करके अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग का ये जो ऑप्शन है इसे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इस तरीके से ये फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में लेकर आएगा। आपको नीचे की साइड ये जो इरेज ऑल डेटा का बटन है ना, इसे आपको टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन ना रीसेट हो जाएगा और आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को है ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं तो इससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों आपने जिस कंपनी का आपने वाईफाई कनेक्शन ले रखा ना, उस कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर या फिर उसके कस्टमर केयर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। ये लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है ना।